हेलो दोस्तों, मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तराखंड के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एपिसोड नंबर एक में मैंने आपको उत्तराखंड के एक गांव की सैर कराई और एपिसोड दो में मैंने आपको एक ट्रैक कराया। जैसे कि आपने एपिसोड नंबर टू में देखा, आजकल मैं यहां रह रहा हूं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ट्रैक पर लेकर चलने वाला हूं, जो जाएगा ऊपर पहाड़ पर बसे एक गांव तक, जिसकी मेरे होटल से दूरी है करीब करीब 2 किलोमीटर। इस ट्रैक के बारे में मुझे गांव के कुछ लोगों ने बताया था, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, 9 o'clock। मौसम को क्या हुआ है? सुना है कि शिमला में स्नोफॉल हो गया है और वैष्णो देवी हो गया है, तो ऊपर ओली में भी हुआ होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बारिश भी नहीं हुई है, पर बारिश का मौसम है इस वक्त। धूप जो निकल जाती है वो धूप यहाँ है नहीं, पूरा क्लाउडी है। तो चलिए निकलते हैं, नाश्ता वास्ता किया जाए और उसके बाद एक और लोकेशन देखने चलेंगे ट्रैक करते हुए। नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, अब निकल रहा हूँ चाय की दुकान पे और ढाबे पे जाकर के कुछ खाना पीना हो जाए। करीब करीब 11 बज गए सुबह के, अब थोड़ा थोड़ा रोशनी और थोड़ी थोड़ी धूप मैं देख पा रहा हूँ उस तरफ, ढाबे की तरफ है। वहाँ यहाँ के नज़ारे देखिए, ये पुल है और पुल के नीचे ये है खेत और वो सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वो छोटे छोटे घर जो यहाँ बने हुए खूबसूरत लगते हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने ट्रैक शुरू किया पत्थरों से भरे इस उबड़ खाबड़ रास्ते से। रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा रखा था, इस पत्थर को हाथ लगाया और ये गया, ये देखो पूरा हिला हुआ, इसने यहीं गिर जाना है। टिका देता हूँ, गिरना नहीं है भाई, पता लगे किसी और का हाथ लगा मेरी तरह। उसने भी ऐसे कैमरा रखा हुआ बेचारे ने और हो गया शहीद। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, गिरना नहीं है भाई। गुड, ये वाला इसके यहाँ नीचे फंसा रहा हूँ ताकि इसे एक एडिशनल सपोर्ट रहे और कोई इसे पकड़ के चढ़े तो ये गिरे नहीं, है ना। चलिए अब चलते हैं ऊपर। देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि ये जो कैंप साइट मैंने देखी है, मैं यहाँ आकर के चेक करूँगा धूप आती है कि नहीं आती है, और धूप आती है यहाँ। इस वक्त 11:30 के आसपास का टाइम है, सन वहाँ दिख रहा है और यहाँ से निकला था और ये धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है। देखिए उस तरफ बढ़ रहा है इस पहाड़ के पीछे से। तो अगर इस जगह पर कैंपिंग की जाती है, इसे कैंप साइट की तरह डेवलप किया जाता है यहाँ चमोली में, ये देखिए मैं क्लाइम करके इस साइड पे आया था, सनलाइट आपको यहाँ दिख रही है। तो सुबह के वक्त अभी तो बादलों में वहाँ जाके छिप गया है सूरज, यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आएगी जब इस एरिया में होगा। तो ये सब जगह जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ सब कवर्ड हो जाएगा सुबह की रोशनी से। तो उस लिहाज से सनलाइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये कैंप साइट वाकई एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। ये रास्ता है, ये छोटा सा ये है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मैं नीचे नहीं जाऊँगा, यहाँ से ऐसे पैरेलल जाता हुआ उस रास्ते को ज्वाइन करूँगा। लीजिए, थोड़ा सा चलने के बाद मैं कनेक्ट हो गया हूँ यहाँ पर उसी रास्ते से। ये देखिए, ये वो रास्ता है जो ऊपर तक जा रहा है। तो चलिए चलते हैं।
ये हाइकिंग वाकई एक खूबसूरत से रास्ते से होकर गुजरती है जहाँ पर नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और पंछियों की चहचहाट आपके कानों को बहुत सूदिंग सी लगती है। मुझे बताया गया था कि एक जगह आएगी जहाँ से दो रास्ते निकलेंगे, दो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो दो रास्ते आगे जाके निकलने वाले हैं यहाँ पर है, पर कुछ तो नज़र आ रहा है। एक छोटा सा रास्ता इस तरफ से जा रहा है और हो सकता है यही हो, पर अभी मैं सीधे चलूँगा क्योंकि मुझे जाना था लेफ्ट हैंड साइड के एक गाँव में। अभी तो मैं इंजॉय करता हुआ घूम रहा हूँ। इस घुमावदार से रास्ते से होकर के चलना खुद में एक अजीब सा सुकून आपको देता है। आप हर तरफ हर नज़ारे को देखते हैं, हवा को चेहरे पर महसूस करते हैं। यहाँ से ये रास्ता लेफ्ट में ऊपर की तरफ गया है यूँ घूमता हुआ, तो मैं इसी रास्ते को फॉलो करूँगा। अभी हर एक प्लांट को मैं बड़े करीब से देखता हूँ ताकि उसके बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी कर सकूँ। चलते चलते कुछ और मीटर ऊपर चढ़ कर यहाँ पहुँचाऊँ। यहाँ पेड़ पौधे पहले से ज़्यादा हैं। आप कहेंगे कि क्या पागल आदमी हर चीज़ को मुंह में डाल लेता है, पर मैं कुछ ऐसे जंगली प्लांट्स पे काम कर रहा हूँ जिन्हें मैं खा सकूँ, स्पेशली उस वक्त जब सर्वाइवल का चैलेंज हो। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनके लिए बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें उन प्लांट्स के बारे में बताऊँगा जो उत्तराखंड के पहाड़ों पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप इमरजेंसी में खा सकते हैं, चाय बनाकर पी सकते हैं। इंतजार है तो बस रिकॉर्डिंग करने का, तो बहुत जल्दी वो रिकॉर्डिंग वो वीडियो आपके पास पहुंचने वाली हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में खाया जा सके। इसमें आप देखेंगे तो 3 रूट्स हैं। अगर ये 5 रूट्स वाला सिडार होता तो आप इसकी चाय बना करके पी सकते थे, पर खाने में अच्छा है, इसमें विटामिन सी है, आयरन है, मज़ा आया। कुछ प्लांट्स के आप रूट्स खा सकते हैं, कुछ के फूल खा सकते हैं। अभी सीजन चला गया है, ये फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, आप इनकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। बॉईल करिए, नमक मिर्च डालिए और फ्राई करके खा लिए, बस इतना सिंपल है। ये बहुत वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आप देखिएगा। कोई बिल्डिंग मुझे नज़र आनी शुरू हो गई है, चलते चलते देखता हूँ कि वो क्या है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है वहाँ पर, देखिए बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक होदी बनी है, पानी का पाइप है। ओके, लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। यह पुण्यस्थली स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ पोखरियाल, जिनकी पुण्यतिथि रही है 30/12/1998, और स्वर्गीय श्रीमती कलावती देवी पोखरियाल, जिनकी पुण्यतिथि थी 10/3/2010 की स्मृति में बनाया गया है, और जिनका मुख्य आदर्श था सेवा, ईमानदारी, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा, जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। तो सिर्फ सिटिंग स्पेस है और वो वाटर सप्लाई वहाँ दी गई थी उन लोगों के लिए जो उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, रुकना चाहते हैं, रुककर थोड़ा आराम करना चाहते हैं। पर सोच अच्छी है, अप्रिशिएट करना तो बनता है। और ये देखिए, इसमें भी ईटेबल्स मिलते हैं, आपको पता है। आप अगर इन्हें तोड़ेंगे तो इसकी जड़ में एक बीज निकलता है, उसे खाया जा सकता है। आप एक एक करके पकड़े निकालेंगे, अंदर से बीज निकलता है। तो मैं ये देखिए, एक एक करके आप इन्हें खोल सकते हैं, और ये जो जगह है यहाँ पर, इसके अंदर वो बीज होता है, या तो वो बीज निकल के उड़ गया इसमें से। क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे ये खुलते जाते हैं, ये उड़कर दूर निकल जाते हैं। पेड़ चाहता है कि वो खुद को फैलाए, खुद के सीड्स को फैलाए, और यही वजह है कि पहले ये बंद होंगे, बाद में ये ऐसे खुल जाएंगे और इनके बीच में से वो बीज निकलेगा। एक मुझे मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, जब ऐसे इस गिरता है ना पेड़ के, वहाँ से निकल के बीज यहाँ पर है, इस जगह पर आप देखिए ये बीज है। जब आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये खुद को फ्लाई करके दूर तक ले जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे चक्री की तरह घूमेगा और दूर तक फैल जाएगा, पेड़ के अपने एरिया से कहीं दूर तक। तो इस तरह से आप इन्हें निकाल कर खा सकते हैं तब जब ये इसके अंदर मौजूद हो, यानी कि निकल के उड़ के दूर ना चले गए हों। तो अभी भी कुछ हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ,
तो इमरजेंसी के केस में ये देखिए कितने सारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दिख रहा है आपको, तो इन्हें जब आप हवा में छोड़ेंगे तो ऐसे चक्री की तरह घूम कर ये निकल जाएंगे। तो ये सर्वाइवल के केस में खाया जा सकता है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ करके रिलैक्स करने वाला हूँ, ये मेरा दूसरा हॉल्ट है, और फिर वापस बढ़ूँगा इस रास्ते से होता हुआ शायद उस पहाड़ के पीछे कहीं पर। पुशअप्स कमाल की चीज है, 10-10 की कुछ सेट लगा लीजिए, फुल अपर पार्ट वर्कआउट हो जाता है। यहाँ तक करीब करीब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जा चुका है। ये ट्रैक और इसके नज़ारे वाकई बहुत खूबसूरत है। आपको ये जगह कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये जो शॉट आप देख रहे हैं इसमें कैमरा मैंने अपने हेड पर फिक्स किया है और कैमरा की मूवमेंट एग्जैक्टली वही है जो मैं देख रहा हूँ। कितनी लकड़ी यहाँ जंगल में पड़ी है, एक पहाड़ चढ़ता हूँ दूसरा आ जाता है, दूसरा चढ़ता हूँ तीसरा आ जाता है, गांव का है देखिए अब लगता है इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने को है, रास्ता घूम गया इस तरफ। पहले मैं पहाड़ के इस तरफ था, ऐसे क्लाइम करा के इस तरफ लेकर आया, अब इस तरफ से यू टर्न करके इस तरफ लेके जा रहा है। भूख के मारे बुरा हाल है, प्यास के मारे बुरा हाल है, और ऐसा इसलिए कि सुबह दो बन खाए थे, एक नमकीन का पैकेट और दो चाय, पच गए सब। प्यास ज़रूर ज़ोर से लगी है और पानी का कोई सोर्स है नहीं यहाँ पर। चलिए चलते रहिए जहाँ तक रास्ता लेके जा सके। अभी जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग मेरे हेड के ऊपर जो होल्डर लगाया है वहाँ से कर रहा हूँ, तो जो मूवमेंट्स हैं कैमरा की वो एक्चुअल मूवमेंट्स हैं, वो चीज़ें दिखा रहा है कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ सेम आप देख रहे हैं। थोड़ा एंगल डाउन किया है ताकि आप रास्ता भी देख सकें। ये देखिए खूबसूरत नज़ारे हैं, जैसे जैसे मैं ऊपर एलिवेशन गेन कर रहा हूँ, हाइट पर जा रहा हूँ, नज़ारे खूबसूरत होते जा रहे हैं। सूरज वहाँ कहीं है उन बादलों के बीच में। तो ये देखिए ये इस बात की पहचान है कि मैं आबादी के नज़दीक पहुँच गया हूँ, क्योंकि ये देखिए ये घास यहाँ से काट कर स्टोर की जा रही है। सर्दियों में यही घास जानवरों को खिलाने के काम आएगी, आप इसे काट के अपने जानवरों को खिलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 है जिनको पेड़ों के साथ लगा कर यहाँ स्टोर किया गया है, और कुछ ऐसे ही मुझे ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, देखिए 6, 7, 8। तो कहीं ना कहीं मैं पहुँच चुका हूँ नज़दीक आबादी के, रिहायश के, और इंग्लिश में कहें तो हैबिटेट के। अब रास्ते में खाली पत्थर नहीं लगाए गए हैं, यहाँ पर छोटी बजरी और सीमेंट यूज़ करके ये रास्ता बनाया गया है। तो गाँव बहुत ही नज़दीक है ऐसा मुझे लगता है। देखिए बिजली का कनेक्शन भी आपको नज़र आ रहा है, ये बिजली का कनेक्शन है जो जा रहा है गांव में। तो मेरा हाइक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। किसी के घर मुझे नज़र आने शुरू हो गए, ये खेत हैं। कैसा रहा मेरा गांव का एक्सपीरियंस, किन लोगों से मैं मिला, किस तरह से उन्होंने मुझे वेलकम किया, कितने कमरे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाले एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए।